أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. सैयद जुल्फ़िकार अली शाह कादरी पेश करते हैं यूट्यूब चैनल सूफ़ी साहब कादरी 1000 ज़ियारत। हमारा मंशा है तमाम हिंदुस्तान की मज़ारात की ज़ियारत करना और साथ साथ आपको भी करवाना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अभी हम मनमाड़ में शकुर बाबा के यहाँ पर और ये पीराने पेशे अब्दुल कादिर जीलानी सैयद मोहिउद्दीन इनका अलम मुबारक है और हम इसे ही अलम समझकर हर वक्त हाज़री देते हैं और अभी हम गुलपोशी भी कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ा राज है। और वो क्या राज है ये अभी आज हमको शकुर बाबा ने बताया है और हम आज वो आपको जाहिर करेंगे, तो आप वीडियो के आखिर तक बने रहे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ शकुर बाबा के यहाँ ये जो अलम का क्या राज है वो आप ख़ुद गौर करना। इसी तरह से हम लोग हर रोज़ नई मदार पर जाकर ज़ियारत करते हैं और आपको भी करवाते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके हमारी हौसला अफजाई करें। शुक्रिया साहब, आखिर तक बने रहें। यहाँ पे आपका बोले काबे का, यहाँ पे क्या काबे का ये जो है, हाँ ये काबे का काबा है, ये काबे का काबा है। हाँ अच्छा, यहाँ गरीबों गरीब भी आकर तवाफ कर सकता है। अच्छा हाँ, और क्योंकि यहाँ खुद अल्लाह पाक बारे अमानत देने के लिए यहाँ आया था। बारे अमानत देने के लिए, लेने के लिए, लेने के लिए। अच्छा हाँ, वो मुझे दिया था संभालने के लिए। हाँ। यहाँ आके मैं बारे अमानत दे दिया था। अच्छा, तो उस टाइम पर ये झंडा जो है बहुत ऊपर था। अच्छा हाँ, तो मैं और मुन्ना, हाँ हम ऊपर चढ़े। हाँ। चढ़ने के बाद में इन्होंने मेरे सर के अंदर गुदगुदारी लगने लगा। हाँ। मैं बोला देख रहे मेरे सर के अंदर गुदगुद गुदगुद हो रहा है। हाँ। कुछ हो रहा है क्या? वो खींचा जा रहा था उनको, वो बारे अमानत को खींचा जा रहा था। ये बोले बाबा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हाथ लगा के देख रहा कुछ भी नहीं है। फिर नीचे आए तो डबल चांद आया इधर। अच्छा, दो चांद हुए थे, दो चांद हुए थे, फोटो नहीं था हम लोग के पास, फोटो फोटो गए थे। हाँ, फोटो बारे अमान। अच्छा, और उस टाइम पर एक फकीर आया था। हाँ, जिसका नाम था दीवान शाह बाबा। अच्छा, और वो पोखरा लोग का ऐसी लंगी लंगी गालियां दे रहा था और वो कह रहा था कि हाँ, एक ही बात बोला था, बाबा डब्बे में बाकी तो खड्डे में, बाबा डब्बे में बाकी सब खड्डे में। हाँ। एक चम्मच दाल का। हाँ। बाकी सब छिनाल छिनाल। अच्छा, तो ये कब की बात है बाबा? इतने साल हो गए मेरे पास किसी टाइम, मतलब 13 साल हो गए बात। मतलब 13 साल पहले अल्लाह खुद यहाँ आया था, बारे अमानत लेकर गए, तो यहाँ पर फिर काबे कैसा करे? उसके बाद में मैं काबा बना। आपने यहाँ काबा बनाए? अच्छा, तो ये तो अपन जब इतने बार आया कभी जिक्र नहीं किया। तमाम वली अल्लाह आके जमा है। अच्छा, बाजार में तुमको कोई वली नहीं दिखेगा। अच्छा, यहाँ सब जमा है, मतलब तमाम हिंदुस्तान के वली सब सब आके जमा है। रास्ता है, जिस दिन वो
होगा उस दिन मैचर में पहुंच जाएंगी संध्या। अच्छा हाँ, ये भेद है, अब कोई माने या ना माने, मैं संदन निकालता हूँ उस टाइम पर ईसा रूह अल्लाह तमाम जितने बख्शिश होती है वो तमाम रूहों को लाके जमा करता संदन में, क्योंकि गौस पाक ने ही तमाम रूहों को रिहा किया था, है ना, तो जमा भी वही करेगा, उसी के नाम से जमा होगी। अच्छा, क्या बाबा, तो ये तो कहाँ पर है जरा, तो साल और दिन मैं थोड़ा बता देंगे, जा पर अब देखो, जाओ बताओ, जैसे ये हजरत आदम अलैहि सलातो सलाम की कब्र मुबारक बनाई गई है जो काबे के अंदर है, जो काबे के अंदर मौजूद है, तो वो अरब का काबा है, ये हिंद का काबा है, इसे काबे का काबा कहना है, बोला गया है, इसलिए कि यहाँ पे किसी को भी रोक टोक नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर धर्म के लिए है, हाँ। कोई भी आ सकता है अपनी इबादत पूजा भक्ति करने के लिए, किसी को रोक टोक नहीं। हाँ। ये देखिए यहाँ पर शकुर बाबा के यहाँ पर अल्लाह खुद बारे अमानत लेने के लिए आया था और उसकी निशानी के तौर पर यह शकुर बाबा ने आदम अलैहिस्सलाम की कब्र बनाई और एक छोटा सा काबा बनाया, और शकुर बाबा के जो खलीफा है सलीम साहब, इनका कहना ये आया कि ये हिंद का काबा है और हर कोई जात धर्म कोई भी मज़हब का शख्स आकर यहाँ पर ज़ियारत कर सकता है और हर किसी का हक है, माशाल्लाह। तो ये हमारा जो ईद के वक्त हम जो मिलने के लिए गए थे ये उसके सीरीज़ का आखिरी वीडियो है, अब इंशाल्लाह ताला कभी ज़िंदगी रही और कभी कुछ मौजू रहा तो फिर कभी शकुर बाबा के यहाँ जाएंगे और आपको और आगे की जो भी तफसील है या मालूमात है या आपके जो भी सवालात है वो शकुर बाबा से करेंगे, लेकिन ये अभी ईद के वक्त के वीडियो का इख्तिताम करते हैं। शुक्रिया साहब, अस्सलाम वालेकुम। इसी तरह से हम लोग हर रोज़ नई मदार पर जाकर ज़ियारत करते हैं और आपको भी करवाते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट करके हमारे हौसला अफजाई कीजिए। अगर हमसे कहीं कोई गलती या खता होती है तो हमारी रहनुमाई करें। शुक्रिया।